नमस्कार, वीकेबी न्यूज के मॉर्निंग टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दो हफ्तों में जारी हो चुनाव की घोषणा, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव। चलती बस में लगी आग, बाल बाल बचे बस में सफर कर रहे यात्री, बस जलकर खाक। और राव साहेब दानवे का बयान, मैं ब्राह्मण व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता हूं। अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने राज्य में महानगर पालिका और जिला परिषद चुनाव कराने राज्य सरकार को बाध्य कर दिया है। फिलहाल दो सप्ताह में राज्य निर्वाचन आयोग को इस पर निर्णय लेने को कहा गया है। अभी तक मनपा निर्वाचन विभाग के पास इसके स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आए हैं। विभाग का कहना है कि दो सप्ताह बाद चुनाव आयोग स्थिति स्पष्ट करेगा। दो सप्ताह बाद यदि चुनाव कार्यक्रम घोषित होते हैं तो चुनाव जून अंत तक होने की संभावना है। हालांकि इस पर भी संकट के बादल है, तब बारिश की स्थिति रहेगी। ऐसे में चुनाव होंगे या नहीं, इस पर अभी से कोई भविष्यवाणी करना जल्दबाजी माना जा रहा है। अधिकारियों के सामने भी चुनाव को लेकर किंतु परंतु जैसे सवाल है। राज्य सरकार ने पहले 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति की घोषणा की थी, इस अनुसार प्रभाग रचना भी हुई। प्रभाग रचना पर आए आपत्ति सुझाव पर सुनवाई भी हुई। प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी ने नागपुर में इस पर सुनवाई पूरी की। इस बीच ओबीसी आरक्षण का मामला और उलझने से राज्य सरकार ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए विधानमंडल में नया कानून पारित किया। इस अनुसार स्थानीय निकाय के चुनाव कराने के अधिकार राज्य सरकार को मिल गए। यह अधिकार मिलने के बाद राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति रद्द कर नए सिरे से प्रभाग पद्धति की रचना करने के निर्देश दिए थे। हालांकि प्रभाग पद्धति कितने सदस्यों की होगी यह स्पष्ट नहीं किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तारीख घोषित करनी है। ऐसे में नई प्रभाग रचना कर उसकी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगने की आशंका है। इस कारण अगर चुनाव होते हैं तो 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति से चुनाव होने की संभावना जताई गई है। फिलहाल 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धति में 52 प्रभाग होंगे। प्रत्येक प्रभाग में 3 नगर सेवक होंगे। कुल 156 नगर सेवक चुने जाएंगे। 31 अनुसूचित जाति, 12 अनुसूचित जनजाति और 78 महिला आरक्षित सीटें रहेगी। अगर ओबीसी आरक्षण बिना चुनाव होते हैं तो ओबीसी आरक्षित 35 सीटें अब सामान्य वर्ग के लिए खुली रखी जाएगी। बुद्ध जयंती के अवसर पर 16 मई को भिक्खु संघ के नेतृत्व में धम्म रैली शाम 4 बजे निकाली जाएगी। भंते ज्ञान ज्योति ने पत्र परिषद में बताया कि रैली की शुरुआत भीम चौक जरीपटका से होगी। रैली इंदौरा चौक, गट्टी गोदाम चौक, संविधान चौक, वैरायटी चौक, जनता चौक, रामदास पेट होते हुए दीक्षा भूमि पहुंचेगी। शहर के समस्त बुद्ध विहार, विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा दीक्षा भूमि में बुद्ध जयंती का संयुक्त आयोजन किया गया है। शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में धम्म रैली का आयोजन सुबह 7 बजे किया गया है। पत्र परिषद में पीएस खोबरागड़े, अमन कामले, प्रीतम बुलकुंडे, विलास देशभ्रतार, कमलेश खांडेकर आदि उपस्थित थे। भावो इमस्मिन लोक, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। जब हम सभी, चाहे किसी संप्रदाय के लोग हो, जब हमने मनुष्य जन्म लिया तो पिछले जीवन में बड़े सजगता के साथ में सांस पर ध्यान करते करते या संवेदनाओं को उदय वय जानते जानते प्रज्ञा के आधार पर सजगता से अपनी पुरानी काया को त्याग दिया। इसीलिए कुशल विपाक उपेक्षा सहगत संकीर्ण चित्त, यह चित्त उत्पन्न हुआ। यही मनुष्य जन्म का मूलाधार है। ऊपरी ऊपरे तौर से हमको लगता है कि हमारे माता पिता ने जन्म दिया है, लेकिन हमारे चित्त की उत्पत्ति हमारे माता द्वारा, हमारे माता पिता द्वारा नहीं की गई। हमारे स्वतंत्र अस्तित्व का यह स्वभाव होता है। जब चित्त कैसे उत्पन्न होता, हमारे वैज्ञानिकों के पास में अभी तक कोई ऐसा उपकरण नहीं संशोधित किया गया, तो जब भी कहीं होगा तो इसका पता लगे। बबल चैम्बर के आधार पर जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो बबल चैम्बर है उनमें एक सेकंड में एक इस आंकड़े पर 22 बिंदिया लगा दी जाए। जय भीम करता हूँ और मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं जीतू बंसोड़, बेजबाग नागपुर से। हमारा संगठन है युवा भीम मैत्री संघ, पिछले 15 साल से धम्म और सामाजिक क्षेत्र पर काम कर रहा है। जैसा कि आपने भी पत्रकार परिषद में आपने जाने कि 16 मई को जो बुद्ध जयंती का एक मार्च भीम चौक से होता हुआ दीक्षाभूमि तक के उसका समापन है।
समापन का ये उद्देश्य है कि उस दिन तथागत की पूरे विश्व में जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो कंसेप्ट ऐसा डिजाइन हुआ कि जो धम्म रैली हमारे पिछले एक महीने से गांव खेड़े में कस्बों में और हर जगह पे जो धम्म रैली के माध्यम से जो प्रचार हो रहा है, जो हमारे भावुक है, जो हमारे श्रद्धावान नागरिक है, वो बड़े बढ़ चढ़ कर उस रैली में विहार में सजावट का हो या बस्ती में सजाने का जो उनका कंसेप्ट हो, तो हर साल ये हो रहा है। पिछले दो साल से शायद कोरोना की वजह से नहीं निकल पाया, लेकिन इस बार से थीम और डिज़ाइन किया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तो हम लोग हर वर्ष में बहुत अच्छे से मनाते ही मनाते हैं, लेकिन जैसा नागपुर की जो भूमि है, एक प्रेरणा स्थान के माध्यम से नागपुर की भूमि को हम लोग देखते हैं और श्रद्धा के स्थान से हम लोग देखते हैं, तो इस बार हम सभी लोगों ने छोटे छोटे संगठन बड़े संगठन ने मिल के जो धम्म रैली जो निकलने वाली है हमारी 16 मई को, तो उसका जो समापन एक भव्य रूप से हम लोग दीक्षा भूमि पर करने जा रहे हैं, तो जिसमें समता सैनिक दल से लेके और भी संगठन इसमें योगदान है। मैं सभी के माध्यम से, आप सभी के माध्यम से, पत्रकार भाई लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नियोजन हमने किए हैं, जो नियोजन हम कर रहे हैं, जिसके रूपरेखा हमने आकलन की है, तो आप सभी आमंत्रित हो और सभी लोग उस दिन को महाकरुण तथागत की जो एक विश्व में मनाई जाती हुई बहुत बड़ी जयंती है उसमें आप भी शामिल हो, तो आपके माध्यम से मैं सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ और वहाँ पे उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज सुबह नागपुर के RBI चौक के पास रास्ते पर दौड़ रही बस ने अचानक से आग पकड़ ली। आग लगने के समय बस में 35 यात्री मौजूद थे। बस ज्यादा स्पीड में नहीं थी तो बस रोक दी गई और लोगों की जान बच गई। आज सुबह नागपुर में बड़ा हादसा होते होते तब टल गया जब एक 35 लोगों के लेकर चल रही बस में अचानक आग लग गई। गनीमत है बस ज्यादा स्पीड में नहीं थी तो वक्त रहते ड्राइवर ने उसे रोक दिया और यात्रियों की जान बच गई। परिसर में इस घटना से यातायात प्रभावित हो गया। दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई मगर जब तक दमकल विभाग की गाड़ी घटनास्थल तक पहुंचती बस पूरी तरह से जल गई थी। शहर परिवहन विभाग की सूचना के अनुसार बस बरडी से खापरगेड़ा गांव के लिए रवाना हुई थी। MH31CA6010 बस का नंबर था। दमकल विभाग के दो टेंडरों ने मौके पर पहुंचकर आग को काबू किया और आग बुझा दी। बस ड्राइवर किशोर भूते एवं गौरव कामले ने यात्रियों को बचाने में बड़ी सहायता की। दौड़ती बस में आग पकड़ने की यह नागपुर में गत 1.5-2 महीने की चौथी घटना है। इन दिनों नागपुर का तापमान लगातार 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। तापमान के साथ बसेस का ठीक से रखरखाव नहीं होना यह भी हादसे की एक वजह हो सकती है। खबरों के सिलसिलों में अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कॉटन मार्केट में बुधवार की रात कुछ दुकानों में आग लग गई। इससे कुछ समय के लिए तनाव का माहौल रहा। दमकल के 3 वाहनों द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास देर रात तक जारी रहा। बुधवार की रात करीब 9 बजे के दौरान कॉटन मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई। हादसे की सूचना दमकल को दी गई, लेकिन दमकल के पहुंचने तक आग ने रौद्र रूप धारण कर दिया। पास की 2-3 दुकानों को भी आग ने अपने चपेट में ले लिया। इससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। नुकसान का आकलन नहीं हो सका। पटवर्धन मैदान पर प्रस्तावित आम्बेडकर स्मारक 3 माह में साकार किया जाए। सरकार यदि यह कार्य नहीं कर पाई तो जन सहयोग से स्मारक का निर्माण कराया जाएगा। रिपब्लिकन सेना ने स्मारक निर्माण की मांग करते हुए कहा है कि मुंबई में इंदू मिल की जमीन की तरह नागपुर में पटवर्धन मैदान की जमीन पाने के लिए प्रयास किया जाएगा। बुधवार को रिपब्लिकन सेना के अध्यक्ष आनंदराज आम्बेडकर ने रवि भवन में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि 25 वर्ष पहले डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जन्म शताब्दी स्मारक निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन अब तक स्मारक नहीं बनाया गया है। कांग्रेस व भाजपा केवल लोगों को गुमराह करने की राजनीति कर रही है। दोनों बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम का गुणगान करते हैं, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा के विरोधी है। दोनों दलों से सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने अंबाझरी के आम्बेडकर भवन को भी जल्द बनाने की मांग की। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आनंदराज ने कहा कि कुछ लोगों ने सामाजिक तनाव बढ़ाने की सुपारी भाजपा से ली है। बिना कारण किसी के घर के पास हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद अपने घर में चालीसा पढ़ा जाना चाहिए। नागपुर में मनपा की बंद पड़ी शालाओं को जल्द शुरू करने की मांग भी की है। नहीं, आपल्या सर्वांना माहिती की महाराष्ट्र अस्थिर करण्याचा आणि महाराष्ट्रामध्ये एकतर हे सरकार पाडण्याचा किंवा राष्ट्रपती राजवट आणण्याचा किंवा बीजेपी सरकार आणण्याचा ह्या 3 प्रकारे प्रयत्न चालू आहेत आणि यासाठी म्हणून ज्या पद्धतीचं राजकारण केलं जातं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे। धर्माधर्मामध्ये तेढ निर्माण करण्याचं राजकारण या देशामध्ये आणि खास करून महाराष्ट्रामध्ये जे होतं आहे ते जरा खरंच अत्यंत दुर्दैवी म्हणावं लागेल आणि हे कुठेतरी थांबलं पाहिजे। आज महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतो की महाराष्ट्र औद्योगिकदृष्ट्या नंबर 1 असताना सुद्धा आज महाराष्ट्राची परिस्थिती अशी आहे की धार्मिक तेढ असल्यामुळे नवीन उद्योगधंदे महाराष्ट्रामध्ये यायला तयार नाहीत। ते इतर ठिकाणी जात आहेत, गुजरातमध्ये जात आहेत आणि महाराष्ट्रातले असणारे अनेक उद्योगधंदे गुजरातमध्ये पळवण्यात येत आहेत। ही परिस्थिती अशीच राहिली तर महाराष्ट्र या नंबर 1 असलेला औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत राज्य हे पाठीमागे गेल्याशिवाय राहणार नाही आणि त्यासाठी महाराष्ट्रामध्ये शांतता असावी। महाराष्ट्रामध्ये जे काही जातीय दंगे करण्याचे काही जण जे मनसुबे आहेत ते लोकांनी ओळखावेत आणि अशा लोकांना बिलकुल पाठिंबा देऊ नये अशी माझी लोकांकडे अपेक्षा आहे। सुपारीबाग काम सध्या सुरू आहे, मला तर पूर्ण खात्री आहे की ह्या ज्या पद्धतीनं आपण पाहिलं की स्वतः फडणवीसाने आज जे काही बोलत आहेत त्यांच्याबद्दल की ते सुपारी बहादूर नेते आहेत असं 2019 बोलले होते, त्यामुळं त्यांच्याबद्दल मी बोलण्याऐवजी फडणवीस माजी मुख्यमंत्री फडणवीसाने तसं बोललेलं आहे, त्यामुळे त्यांनी पण त्याची इमेज सुधारावी असं माझं मत आहे। ओबीसीच्या निवडणुका घ्याव्या त्वरित असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलेलं आहे। कुठंतरी सरकार ओबीसींना न्याय देण्यात कमी पडलं किंवा आपली बाजू न्यायालयात मांडण्यात कमी पडलं त्याच्यामुळे ओबीसीचं जे राजकीय आरक्षण आहे ते गेलेलं आहे। ओबीसीचं राजकीय आरक्षण करा म्हणजे सरकारकडे जो डॅटा त्यांनी कलेक्ट करा पाहिजे होता तो अजून सरकार कलेक्ट करू शकलं नाही आणि त्यामुळं आज जो निकाल आला आहे जो ओबीसीच्या विरोधात गेलेला आहे खरं म्हणजे सरकारने अजूनसुद्धा प्रयत्न करायला पाहिजे। जो सुप्रीम कोर्टाने डेटा मागितलेला आहे तो जर डेटा दिला तर अजूनही ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळू शकतं, परंतु आज ओबीसीनीसुद्धा त्याच्यासाठी इच्छाशक्ती दाखवायला पाहिजे। आम्हीसुद्धा प्रयत्न करतोय ओबीसींना एकसंघ करून त्यांच्या राजकीयदृष्ट्या त्यांना रस्त्यावर त्यांच्या लढाईसाठी रस्त्यावर आणण्याचं, पण दुर्दैवानं ओबीसी अजूनही तेवढा जागृत नाही किंवा स्वतःच्या राजकीय आरक्षणासाठी एकंदरीत त्याच्या सर्वच आरक्षणासाठी तो जागृत आहे असं वाटत नाही। काय मंडल आयोगाच्या वेळेसुद्धा जागृत नव्हता आणि आत्तासुद्धा नाही आहे। हे खरं म्हणजे ओबीसीचं दुर्दैव आहे असं म्हणतं तर वागवत राहणार। महाविकास आघाडी सरकारचं हे कुठंतरी दुर्लक्षपणा म्हणावं ज्याच्यामुळे ओबीसीचं आरक्षण गेलं, कारण की 2 वर्ष लोटवण्याची ट्रिपल ट्रेट जी सांगितली होती सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण करू शकतो। नाही, याच्यासाठी केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार दोन्ही जबाबदार आहे। केंद्र सरकारकडे असणारा डेटा महाराष्ट्र सरकार मागते ते देत नाहीत आणि महाराष्ट्र सरकार स्वतः यासाठी या खरं म्हणजे कोविड असल्यामुळे त्यांना डेटा कलेक्ट करता आला की नाही माहीत नाही, परंतु
आता जो वेळ मिळाला होता कोविड नंतरचा त्याचा सदुपयोग करून त्याने तो प्रयत्न करायला पाहिजे होता, दुर्दैवाने तो केला नाही. आणि हे खरं म्हणजे दुर्दैव आहे. ओबीसीनी ह्या सर्व पक्षांबद्दल आता तरी जागृत राहावं असं आमचं म्हणणं आहे. धन्यवाद. नेतृत्व हमेशा समाज को एकत्रित रखने वाला होना चाहिए, इसीलिए मैं ब्राह्मण समाज से आने वाले व्यक्ति को न सिर्फ नगर सेवक या नगराध्यक्ष ही नहीं राज्य का मुख्यमंत्री बनाते हुए देखना चाहता हूं। ऐसा बयान केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने दिया. वो जालना में आयोजित परशुराम जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे. बोला परशुराम भगवान की. परशुराम जयंतीचे अध्यक्ष सुनील किनगावकर, त्यांचे ज्येष्ठ सहकारी विलासराव, मंचूर उपस्थित असलेले आमचे सर्व सहकारी आणि या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेल्या सर्व बंधू आणि भगिनींना लाईन तोडून मी भाषणाला उभा आहे आणि प्रोटोकॉलप्रमाणे आता लाईन तोडण्याचा मला अधिकार आहे. त्याच्यामुळं सर्वजण माफ करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला दिल्लीला जायचं आहे, उद्या मंत्रिमंडळाची बैठक आहे आणि एकच विमान असल्यामुळं मला जायचं आहे. मी सर्वप्रथम आपल्याला भगवान परशुराम जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि सुनील किनगावकरांना विशेष शुभेच्छा देतो की एवढ्या सगळ्या समाज बांधवांनी या वयात तुमच्यावर विश्वास व्यक्त केला. मला असं वाटलं की भावनेच्या भरात तुम्ही रिटायरमेंटची घोषणा करता काय करणं, परंतु पुन्हा नगरपालिकेच्या निवडणुका आल्या, आमच्याकडे लक्ष ठेवा. कोणत्या का पक्षांना होत नाही, वेगवेगळ्या ठिकाणी ब्राह्मणाला प्रतिनिधित्व द्या आणि एकापेक्षा जास्त ब्राह्मण जालना महानगरपालिकेमध्ये निवडून द्या असा आपल्या बोलण्याचा अर्थ होता. सुनील किनगावकर, ही विनंती मला लागू होत नाही, कारण मी केवळ ब्राह्मणाला नगरसेवक किंवा नगराध्यक्ष पाहू इच्छित नाही, मी ब्राह्मणाला या राज्याचा मुख्यमंत्री पाहू इच्छितो. त्याच्यामुळं मी काही एवढ्या छोट्या मोठ्या गोष्टीमध्ये पडणार नाही, पण एक गोष्ट खरी आहे की समाज कोणताही असो, आपण बघत असन की आत्ता 5 राज्याच्या निवडणुका झाल्या. मी उत्तराखंडमध्ये आणि उत्तर प्रदेशामध्ये प्रचारासाठी गेलो होतो. जातीपातीचं लोण राजकारणामध्ये आता एवढं आलं की त्याला आता नाकारून चालत नाही. पण जात ही एक संघ असली पाहिजे, समाजाला एकत्र ठेवणारा नेता असला पाहिजे आणि असं नेतृत्व आपण या शहरामध्ये निर्माण करावं अशी अपेक्षा मी आपल्या सर्वांकडून व्यक्त करतो. कारण या देशाला दिशा देण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर आपण सर्वांनी या देशाला दिशा देण्याचं काम केलेलं आहे. तशी दिशा जालन्यालाही सुद्धा तुम्ही दिलेलीच आहे आणि यापुढेही तुम्ही दिशा द्याल अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी व्यक्त करतो. माझ्यानंतर आमचे सहकारी या आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मी आपली सगळ्यांची रजा घेतो आणि जातो. धन्यवाद. मिहान स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नागपुर के नए कैंपस का उद्घाटन 8 मई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होगा. पहले यह कार्यक्रम 23 अप्रैल को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश इसे स्थगित कर दिया गया था. अब 8 मई को सुबह 9:30 बजे यह कार्यक्रम होगा. गौरतलब है कि वर्ष 2015 में इस संस्थान की नागपुर में शुरुआत हुई थी.
इसका पहला कैंपस बजाज नगर स्थित VNIT के परिसर में था। राज्य सरकार ने IIM को स्थापित कैंपस के लिए दहेगांव में 132 एकड़ जमीन दी है। यहां पहले चरण में 600 विद्यार्थी क्षमता की सुविधाएं 60,000 वर्ग मीटर में तैयार की गई है। इसमें एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, फैकल्टी हाउसिंग, लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं। इसका शिलान्यास 6 मार्च 2019 को किया गया था। तो आज के इस मॉर्निंग टाइम न्यूज में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए VKB न्यूज। नमस्कार।